आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र सात साल सा स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो यह युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। परम पूज्य गुरुदेव अरविंदिनी माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। मनोमय कोश और आज्ञा चक्र। स्वाध्याय के अगले क्रम में मस्तिष्क की चेतना में यों अन्य कितने ही शक्तिशाली केंद्र संस्थानों का अस्तित्व विद्यमान है, पर उनमें अधिक सरलतापूर्वक जगा सकने वाला और अति महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला केंद्र आज्ञा चक्र ही है। इसमें पाई जाने वाली दिव्य दृष्टि क्षमता के संबंध का कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में विवेचन हुआ है। टिन लॉव संग रंपा की थर्ड आई, सुग्न अल जहीर की दी ऑक्टल जर्नी, डेनियल वारे की दी मैका ऑफ हेवनली टाउजस पुस्तकों में आज्ञा चक्र की दिव्य क्षमता की विस्तृत विवेचना है। उनमें अनेक उदाहरणों का उल्लेख है जिनसे सिद्ध होता है कि इन दिव्य संस्थानों की सहायता से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं जो सर्वसाधारण के लिए तो अज्ञात ही रहती है, पर जो उनका अभ्यास कर लेते हैं वे अपना तथा दूसरों का बहुत हित साधन कर सकते हैं। नवग्रहों और उपग्रहों के केंद्र सूर्य हैं। पृथ्वी का केंद्र ध्रुव प्रदेश है। परमाणुओं का शक्ति केंद्र उसका मध्यवर्ती केंद्र नाभिक न्यूक्लियस कहलाता है। मस्तिष्क मानवीय चेतना का केंद्र है और उसका मध्य बिंदु आज्ञा चक्र कहलाता है। इस तनिक से केंद्र को मस्तिष्क रूपी ताले की ताली कह सकते हैं। उसे जीवन दुर्ग का प्रवेश कह सकते हैं। भूमध्य जहाँ आज्ञा चक्र की स्थिति मानी जाती है, उसी सीध में कपाल के अंदर एक अस्थि का नुकीला सा भाग है जिसे ग्लैबिला कहते हैं। इसका कुछ स्पष्ट उद्देश्य स्थूल क्रियाकलापों के अंतर्गत नहीं मिलता है, किंतु उस स्थान विशेष पर विशेष आकार की स्थिति कुछ सोचने समझने को बाध्य करती है। विज्ञान का नियम है कि नुकीले स्थल विद्युत चुंबकीय सूक्ष्म तरंगों के संचारण एवं संग्रहण के लिए उपयोगी होते हैं। रेडियो संकेतों के लिए एरियल एंटीना और आकाशीय विद्युत से विशाल भवनों की रक्षा के लिए तड़ित चालक लाइटिंग कनेक्टर इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से नुकीले अस्थि भाग की उपस्थिति उस स्थल में शक्ति संचरण संग्रहण की क्षमता होने का स्पष्ट संकेत करती है। उसी सीध में दृष्टि संस्थान का एक महत्वपूर्ण घटक आता है जिसे ऑप्टिकल चियाज्म कहते हैं। आँख से दृष्टि संकेतों का संवहन करने वाली विशेष रज्जु ट्रैक्ट इसी स्थल पर एक दूसरे का क्रॉस करके मुड़कर मस्तिष्क के दृष्टि केंद्र की ओर बढ़ जाते हैं। दो भिन्न भिन्न नेत्र गोलकों में अंकित भिन्न भिन्न दृश्यों को एक संतुलित प्रामाणिक स्वरूप में बदलने में इस संस्थान का प्रत्यक्ष भूमिका रहती है।
यह स्थल दृष्टि संस्थान का एक सूक्ष्म नियंत्रक कहला सकता है। इसी ऑप्टिकल चियाज्म से लगी हुई एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। अब तक जो खोजें हुई हैं उनके अनुसार इस ग्रंथि को अति महत्वपूर्ण ग्रंथि माना जाता है, किंतु वैज्ञानिकों का मत है कि इसके संबंध में जैसे जैसे जाना जा सकेगा इस ग्रंथि की महत्ता अब की अपेक्षा अनेक गुनी अधिक सिद्ध होगी। इसमें चमत्कारी संभावनाएं सन्निहित हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर शरीर विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करके कामेंद्रियों की सक्रियता को समाप्त प्राय किया जा सकता है। यह निष्कर्ष शिव के तृतीय नेत्र खोलने से काम दहन के उपाख्यान के सर्वथा अनुरूप है। जागृत आज्ञा चक्र से काम वासना का समन दमन सर्वथा संभव है। इस केंद्र का महत्व प्रदर्शित करने वाला एक और तथ्य शरीर विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भागों के चारों ओर तथा मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तथा बाहर एक विशेष द्रव्य भरा रहता है जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। वैज्ञानिक मान्यता है कि यह द्रव्य इस सारे संस्थान के संरक्षण एवं पोषण का कार्य करता है। इस द्रव्य की संचार प्रणाली का एक ध्रुव ठीक भूमध्य की सीध में रहता है। मोटी दृष्टि से अन्य भी शरीर को पोषण मात्र देता है, किंतु थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो अन्य के सूक्ष्म संस्कारों का सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ने की बात भी स्पष्ट रूप से सामने आती है। इस मस्तिष्क के द्रव में भी मस्तिष्क एवं मेरुदंड संस्थान को पोषण देने की क्षमता के साथ साथ सूक्ष्म संस्कार एवं शक्तियों के संचरण की क्षमता का होना इस दृष्टि से नितांत स्वाभाविक है। फ्रांसिस ल्यूकेल के अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजी में यह स्वीकार किया है कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस जैसे महत्वपूर्ण भाग की सक्रियता पर इस द्रव्य की आंतरिक स्थिति का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि यदि इस पोषक द्रव्य को किन्हीं शक्तियों से प्रभावित किया जा सके तो मस्तिष्क एवं सारे स्नायु संस्थान को संस्कार विशेष प्रदान किए जा सकते हैं। भ्रूमध्य तक उपरोक्त द्रव्य की नलिका को पहुंचाने के पीछे प्रकृति का सुनिश्चित उद्देश्य अवश्य है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद।